उनको बोलो यार कॉल कर। हाल क्या है दलों का ये बोटर पे है, हाल क्या है दलों का ये बोटर पे है, वोट से ये बताना समय आ गया। हाल क्या है दलों का ये बोटर पे है, वोट से है बताना समय आ गया। वोट करने मेरे यार जाना जरूर, वोट करने मेरे यार जाना जरूर, फर्ज है ये निभाना समय आ गया, फर्ज है ये निभाना समय आ गया। हाल क्या है दलों का ये वोटर पे है। वोट से ही है पाया इस अधिकार को, वोट से ही है पाया वोट इस अधिकार को, तय करेंगे अब हम किसकी सरकार हो, तय करेंगे कि अब हम सरकार हो। मात्र जनता नहीं आज जज है हम सब, मात्र जनता नहीं आज जज है हम सब, फैसला है सुनाना समय आ गया, फैसला है सुनाना समय आ गया। हल क्या है दलों का ये वोटर पे। दंगल एक बार फिर लेकर हम हाजिर हैं दिन की सबसे बड़ी बहस, और आज हम पहुंच गए हैं आगरा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आगरा की जनता का, और जनता नहीं आज हम जज हैं। सुना आपने जैसा कव्वाल साहब अभी सुना रहे थे, फैसला है सुनाना अब समय आ गया, और उसी फैसले की घड़ी के दौरान हम यहां इस वक्त मौजूद हैं आगरा की जनता के साथ, जहां हमारे साथ हैं आगरा के नेता भी। जनता उनसे पूछेगी सवाल कि देश भर में आखिर चुनाव के जोर में चोर चोर का शोर क्यों मचा है। एक तरफ से कांग्रेस पार्टी कहती है चौकीदार चोर है, और दूसरी तरफ से चौकीदार कहता है कि पैसे तो इनके घरों से निकल रहे हैं, इसीलिए शोर मचा रहे थे क्या कि चौकीदार चोर है। और देश का इस बार का चुनाव क्या इसी बात पर लड़ा जाएगा कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है, या फिर उन सारे मुद्दों की बातें होंगी जिनके सपने राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैलियों में चुनावी भाषणों में अपने लोगों को दिखाती हैं, लेकिन सरकार बन जाने के बाद वो फिर वादे और वो दावे उन्हीं कागजों तक सीमित रह जाते हैं। आपको बताएंगे हमारे साथ आज कौन कौन से मेहमान दंगल का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौका चुनाव का है, और जब आयकर के छापों में कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबी फंस रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां चूकने वाले थे। चौकीदार चोर है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के तंज पर मोदी ने कुछ यूं जवाब दिया। कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटे निकली है। नोटे देखा कि नहीं देखा, टीवी पे देखा कि नहीं देखा। नोट से वोट खरीदने का ये पाप
इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? लेकिन नोटे कहां से निकलती है, नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं? असली चोर कौन है, असली चोर कौन है, असली चोर कौन है? चौकीदार का भय किसको है? लेकिन इनकी मास्टरी देखिए, इनकी कलाकारी देखिए, अरबों खरबों रुपये की लूट के सबूत मिल चुके हैं। मोदी ने रैली में चोर पर चुनावी चौका लगाया तो राहुल गांधी ने ट्वीट से जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर मुझसे बहस करने में घबराए हैं, मैं आपकी मुश्किल हल कर देता हूं। जाइए किताब खोलिए ताकि आप तैयारी कर सके। राफेल प्लस अनिल अंबानी, नीरव मोदी, अमित शाह प्लस नोटबंदी। राहुल भले पीएम मोदी को भ्रष्टाचार पर बहस की चुनौती दे, लेकिन आयकर के छापे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। छापे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी फंसे हैं। तो आयकर विभाग का दावा ये भी है कि हवाला रूट से आए 20 करोड़ रुपयों को एसएम मोइन नाम के शख्स ने दिल्ली में बड़े राजनीतिक दल के दफ्तर में पहुंचाया। एमएस मोइन का कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल के साथ एक फोटो भी सामने आया है। ऐसे में घिर गई कांग्रेस की ओर से आयकर छापों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से जो दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें कोई सफल होने वाला नहीं है। एक ओर चोर पर राजनीतिक शोर है तो दूसरी ओर बिजनौर में रोड शो कर रही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को मोदी मोदी के नारों से दो चार होना पड़ा। हालांकि इस हंगामे के बीच प्रियंका ने मोदी मोदी के नारे लगा रहे बीजेपी समर्थकों पर फूल फेंके। यूपी में चुनावी शोर हिंदू मुसलमान को लेकर भी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के उस बयान पर पलटवार कर दिया है जिसमें मायावती ने मुसलमानों से महागठबंधन को वोट देने को कहा था कि जब उन्हें लगा कि वे अपने परंपरागत वोट को शिफ्ट नहीं कर सकते तो सुश्री मायावती जी ने भी और श्री अखिलेश यादव जी ने भी सीधे सीधे मुस्लिम कार्ड खेला है। हिंदुओं में भी इसका भारी रिएक्शन है। मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है तो हिंदू ध्रुवीकरण को कोई रोक नहीं पाएगा। चुनाव के इन हंगामों के बीच पहले चरण की 91 सीटों पर वोटिंग की तारीख करीब आ गई है। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। आज तक ब्यूरो। मायावती पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाने वाले योगी आदित्यनाथ रैलियों में जाकर कह रहे हैं कांग्रेस बीएसपी एसपी के पास अली है तो हमारे पास भी बजरंग बली है। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एसपी सिंह बघेल का, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं और आगरा सीट से लोकसभा के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ उपेंद्र सिंह का, उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और स्वागत कीजिए वाहिद निसार का, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हम तीनों से सवाल जवाब करें उसके पहले जल्दी से राज बब्बर को हमने पकड़ा कुछ देर के लिए, उनसे कुछ सवाल करने बनते हैं क्योंकि वो फतेहपुर सीकरी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। राज बब्बर साहब, आप तो राज्यसभा के सांसद हैं फिर भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा, आपको कुछ खास वजह? वजह वही है जो 1999 में थी। मैं राज्यसभा सांसद था जब मैं पहली बार अपने घर में चुनाव के लिए आया था आगरा में 1999 के अंदर। मैं 1994 में राज्यसभा का सांसद बना और 99 में चुनाव जीतने के बाद में मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। वजह नहीं होती, घर में आने के लिए वजह नहीं ढूंढी जाती। मैं घर में आया हूं, मुझे घर वालों ने कहा कि मैं यहां से आऊं। साहब, आपको कांग्रेस मुरादाबाद से चुनाव लड़ाना चाहती थी, ये चर्चा सबको सुनी, सबको पता है कि आपको पार्टी मुरादाबाद से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन हमने सुना आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपको लगा कि यहां से जीतना आसान नहीं होगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे।
इसलिए फतेहपुर भेज दिया गया आपको। आगरी की जनता से बात करके देखिएगा, फतेहपुर सीकरी की जनता से बात करके देख लीजिए। जो सवाल आपने किया है कि मैं हार गया, यहाँ के लोग नहीं मानते थे कि मैं हार गया हूँ, और अगर मैंने उनको उस दिन पेसिफाई ना किया होता, शांत ना किया होता, तो शायद बहुत बड़ा कांड हो गया होता। सांसद तो राजबब्बर फरीदाबाद से भी बन गया था, मैं मुरादाबाद में सांसद बनने नहीं गया था। मुझसे जब पूछा गया, पार्टी ने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो सीटें हैं उन पर हमें लड़ना चाहिए, तो मैं वहाँ गया। मुझे कहा गया कि आप मुरादाबाद लड़ेंगे, तो मैं हंस दिया, मैंने क्यों नहीं, मेरा सुबह नाम अनाउंस हो गया। जब नाम अनाउंस हो गया तो यहाँ आगरा के साथियों ने मेरे घर में एकदम जो है वहाँ पर जो है धरना दे दिया। मैंने रोना शुरू कर दिया कि तुम्हारी कहीं इज्जत नहीं हो सकती अगर तुम घर वालों की इज्जत नहीं करोगे। ये बात बहुत बड़ी थी, ये मैं सह नहीं सका। चुनाव की हार जीत तो होती रहती है, लेकिन अगर अपने ही लोगों को अगर इस बात का एहसास हो कि मैं अपने लोगों की इज्जत नहीं करता, मान नहीं करता, मुझे अपनों पर भरोसा नहीं है, तो शायद इससे बड़ी इंसान की कमजोरी नहीं होती। राहुल जी ने मुझे बुलाया, मैंने उनको सारी बात बताई जो आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी बता रहा। मायावती क्या कह रही हैं? मायावती कह रही हैं कि मुसलमानों से अपील कर रही हूं, कांग्रेस को देके अपना वोट वेस्ट ना करें। आपको लगता नहीं वो आपके लिए मुश्किल बढ़ा रही हैं? मायावती जी बड़ी नेता हैं और राष्ट्रीय नेता हैं। राजबब्बर मामूली सा प्रदेश का कार्यकर्ता है, मैं उनकी बात पर कैसे टिप्पणी कर सकता। मुझे लगता है कि जो वो कह रही हैं, जिनको कह रही हैं उनको सुनने दीजिए, हम और आप इस बात में क्यों बहस करें। पर बब्बर साहब, ये जिम्मेदारी तो आपकी थी ना कि आप उस गठबंधन का हिस्सा होते, लेकिन अब तो ये लोग जरा सी भी मुरव्वत बरत नहीं रहे आपके साथ, कहाँ गड़बड़ हो गई आखिर? देखिए, हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम नेता लोग समीकरण बनाते हैं। जो हम नेता बन जाते हैं तो सोचते हैं कि हम समीकरण बना लेंगे और जनता हमारी उंगलियों पर नाचती है। ऐसा होता नहीं, समीकरण तो नीचे ज़मीन पर जिसके साथ धोखा हुआ होता है, जिसके खेत जो हैं वो बिक गए होते हैं, वो आत्महत्याएं कर रहा होता है, वो बेरोज़गार नौजवान जो जिसको रोज़गार नहीं मिलता और इस उम्मीद में कि 2 करोड़ रोज़गार जो हैं वो हर साल मिल जाएंगे, और वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। समीकरण तो ही बनाते हैं, तो व्यापारी बनाता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में आज उसकी हालत कहाँ है, वो मजदूर बनाता है कि पहले उसको काम मिलता था, अब उसके पास में काम नहीं, वो बेकार बैठा हुआ है। समीकरण ये बनाते हैं, हम किन चक्रों में फंसे हैं? नेता कौन समीकरण बना पाता है? नेता तो सिर्फ समीकरणों की बात करता है। राजबब्बर, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी, सबने मान लिया था, 2019 में किसकी लहर है? राहुल गांधी की है? 2019 में आत्महत्या करते हुए किसानों की दर्द की लहर है। आलू का किसान जो यहाँ हर रोज धोखा खा रहा है कि कभी कहते हैं 665 रुपया मिलेगा, अभी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आप चले जाइए मेरे ही क्षेत्र फतेहाबाद के अंदर, पेड़ों के नीचे आलुओं के बोरे पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। आप देख लीजिए सरसों का क्या हाल है। कांग्रेस के राज में 4200 रुपए की सरसों हुआ करती थी, आज 2700-2800 रुपए का भाव है, वो भी उठाने को तैयार नहीं है कोई। हम किन की बात कर रहे हैं और कैसी बातें करते हैं? ये सिर्फ सवाल हैं जिसके जवाब जो है हम ढूंढते हैं और इस पर बहस करते हैं। ज़मीन पर जो है दर्द कुछ और है, सवाल कुछ और हैं। नारे लगाने से सवाल नहीं बन जाते। कौन यहाँ जितने खड़े हुए हैं आपके और आप जो बैठे हुए हैं, हाथ उठाकर अपने सीने पर हाथ रख के कहें कि इसमें से कौन देशभक्त नहीं है? अगर आप दो देशभक्त हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए कि आप सब देशभक्त हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे चैलेंज नहीं किया, मैंने पूछा है, और देखिए कितने हाथ खड़े हो गए हैं। ये सब देशभक्त हैं, लेकिन एक
अमुक पार्टी जो है सरकार में बैठी हुई, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट इनको क्यों देती है? बब्बर साहब क्यों बांट रही है भाई? जिस दिन हमने माँ की कोख में हमने अपना बब्बर साहब जन्म लिया है, माँ की कोख से, उस दिन से हम इस धरती पे आए हैं और मसला देशभक्ति और देशद्रोह का था नहीं, लेकिन ये सर्टिफिकेट। बैठ जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज बब्बर। ठीक है, हो गया भाई। सुनिए, ठीक है, हो गया। मसला देशभक्त मोदी भक्त देशद्रोह का नहीं था, मसला इस बात का था। आपने पूछा देशभक्त कितने, सबने हाथ खड़ा किया। मैंने पूछा था राहुल की लहर है क्या, वो पूछते क्या राहुल गांधी के वोट है सब, तब पता लगता शायद उसका जवाब। बघेल साहब, एसपी सिंह बघेल, चलिए यहाँ चर्चा को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब नारेबाजी बंद कर दीजिए। हो गया। बैठिए। बैठ जाइए। ठीक हो गया हो तो बैठ जाइए अब भाई साहब, भाई या तो बघेल साहब से कहिए कि ठीक है चुनाव प्रचार छोड़ के यहाँ ना आए, क्योंकि आप लोग मोदी मोदी कह के हर सवाल का जवाब दे देंगे, या फिर उनको जवाब देने का मौका दीजिए। बघेल साहब, कुछ बातें अभी मैंने राज बब्बर से की, आपने सुनी। क्रक्स ये है कुल मिला के कि उनका कहना है किसान नाखुश है, रोजगार लोगों को नहीं मिला, आप लोगों ने जो वादे किए थे अच्छे दिन के, वो अच्छे दिन नहीं आए। तो क्या आपकी पार्टी ने आपको फंसा दिया इस बार? जाओ आगरा से चुनाव लड़ लो। 23 मई बोलिए, 23 मई को पता चल जाएगा कि पार्टी ने फंसाया है या पार्टी ने जिताया है। किसान बहुत खुशहाल है, प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसान की आय को दुगना करने के लिए कहा है। इस परिप्रेक्ष्य में मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई गई है, स्प्रिंगलर पर 80% सब्सिडी है, ड्रिप इरीगेशन पर सब्सिडी है, नीम कोटेड यूरिया हो गई है जिससे कालाबाजारी नहीं हो रही है, नीली क्रांत से फिशरीज के मामले में नीली क्रांत से, और पशुपालन के द्वारा, मधुमक्खी पालन द्वारा, मछली पालन द्वारा, सुअर पालन द्वारा, ड्रिप इरीगेशन के द्वारा, औषधि खेती के द्वारा और फल फूल की खेती के द्वारा किसान अपनी आय को दुगनी कर रहा है। किसान नेता बनने के लिए हरी टोपी जरूरी नहीं है, किसान नेता के लिए हरी टोपी जरूरी नहीं है, केसरिया वस्त्र में भी कोई किसान नेता हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 36,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया है, यहाँ शहर के लोग बैठे हैं। अगर बघेल साहब इसके साथ, अरे सुन तो लीजिए उनको भाई, अगर मोदी मोदी कर देने से जवाब मिल जाता तो फिर ठीक है, करते रहिए मोदी मोदी के बाद, या करते रहिए राहुल उधर से। बघेल साहब एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप बैठ जाइए जरा एक बार, एक सवाल बता दीजिए सर। अगर ये सारी बातें वाकई हुई जो आप कह रहे हैं और सब कुछ इतना अच्छा था, दो दो बार के जीते सांसद को आपने हटा के इटावा भेज दिया, क्यों फिर लड़ाते उन्हीं को चुनाव? वो बेहतर इटावा लड़ सकते हैं, उनका होम डिस्ट्रिक्ट इटावा है, उनकी पढ़ाई लिखाई इटावा की है, उनका स्वयं का घर इटावा का है, पार्टी ने सोचा वो वहाँ ज्यादा अच्छा लड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी सामान्य कार्यकर्ता जीत सकता है, इसलिए मैं आया हूँ। इटावा सीट मुलायम सिंह जी की ग्रह है, तो कठेरिया जी का भी ग्रह जनपद है, उनको बेहतर समझा गया है कि वो इटावा की सीट जीत सकते हैं। लेकिन मसला ये है सर, ठीक हो गया आप लोगों का, बात कर ले उनसे, शांति रखिए, अभी नीचे आता हूँ उसके बाद अपनी बात कहिए, नारा लगाने का कोई मतलब नहीं होता, अपनी बात रखिए भाई साहब, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए माइक उठा के। क्या आपको लगता है जो बातें वो कह रहे हैं वैसा है, जमीनी हकीकत वही है? बघेल साहब ने जो कहा है, जो सब कुछ उनका इटावा का था, तो फिर दो बार उन्हें आगरा सांसद बनाने की क्या जरूरत थी? और आज वो मतलब यहाँ खाली आगरा भाजपा के लोग यहाँ सांसद बनते हैं, 25 साल से मेयर बन रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, और आगरा की बदहाली देख लीजिए, ये ठीक रहा इनके सांसद और विधायक पे ना फूटे, इस वजह से ये हर बार या एक दो बार उसको चेंज कर देते हैं और दूसरा नया चेहरा ले आते हैं। ये काबिलियत थी उनमें, ये काबिलियतें थी, सब कुछ इटावा का था, तो फिर इटावा से दो बार आगरा सांसद क्यों बनाया, मेरा ये पूछना है बघेल साहब से। ठीक, मैं इसका जवाब ये दूंगा, इटावा लोकसभा सामान्य थी, मुलायम सिंह जी को जब पहला चुनाव लड़ना पड़ा राज्य की राजनीति के बाद 1996 में, तो वो मैनपुरी लोकसभा लड़े, इसके बाद अगला चुनाव वो कन्नौज लड़े, अगला चुनाव
वो संभल लड़े, अगला चुनाव वो आजमगढ़ लड़े, उनके पुत्र इटावा की जगह कन्नौज लड़े, फिर फिरोजाबाद लड़े, फिर बहू कन्नौज लड़ी, फिर एक भतीजा बदायूं लड़ा, एक भाई संभल लड़ा, इनमें से कोई अपने गृह जनपद से चुनाव नहीं लड़ते हैं। उपेंद्र सिंह जी थोड़ा रोकते हुए, एक बार उपेंद्र जी से कमेंट ले लो। उपेंद्र सिंह जी, आपने नारा दिया चौकीदार चोर है, और आपने कहा कि बड़ी कामयाबी से देखिए हम जनता की जुबान पे इसको चढ़ाने में कामयाब हो गए। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नारा लगाते थे वही लोग चौकीदार चोर है जिनके खुद के घरों से करोड़ों के नोटों के बंडल निकल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे नीरव मोदी और महल चक्सी जैसे लोग ऐसे कर लिए, यहां पे पैसे ले लेकर के यहां 30,000 करोड़ रुपया यहां का लेकर के भाग गए हों और उनका पैसा अभी तक नहीं ला पाए हो, तो चोर कौन है ये सब जनता बताएगी सर। ये दूसरी चीज, हमारे यहाँ सरकार के मंत्री जी जो बात कर रहे हैं, यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, किसानों ने यहाँ पे किसानों को 2-2 रुपया जो 36,000 करोड़ कर्जों के माफ करते हैं, तो 2-2 रुपया इनको मिला है केवल मात्र। अब उन 2-2 रुपए में, अब 2 रुपए का जिसको चेक मिला हो वो किसान क्या कर सकता है? GST नोटबंदी में कमर तोड़ के रख दी, यहाँ किसानों ने कईयों दर्जन भर से, लगभग आगरा में दर्जन भर किसान आत्महत्या कर चुका है, इनसे आप पूछिए ये बताएंगे। और रही बात सरदाना जी एक मिनट में और अपनी बात कहूंगा। बोलिए ना, मैं तो सुनने को तैयार हूँ, आप ही के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो नारेबाजी आपको सुनना क्यों नहीं चाहते? मैं इनको ये देख लीजिए जी, ये तो आप ही के समर्थक होंगे, चौकीदार चोर है वाले। दो हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया? रखिए बात सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुनिए। हर साल 2 करोड़ युवाओं का रोजगार कहाँ चला गया? इस घोषणा पत्र में युवाओं का जिक्र नहीं है, वो रोजगार कहाँ पे है? कम से कम 10 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, वो खा गई है। अब बताइए, चौकीदार को चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? सर मुझे एक बात बता दीजिए बस, आप ये कह रहे हैं कि नोटबंदी ने लोगों की कमर तोड़ दी, पैसा नहीं बचा, ये वो। सर ये जो आपके नेताओं के घरों से करोड़ों के बंडल निकल रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं फिर? देखिए साहब, ये इस समय ही चुनाव के टाइम पे ये जानबूझ के छापे डलवाने के बाद में अभी कहां पे कहां सर छापे जानबूझ के पड़ रहे हैं? पैसे तो मोदी ने नहीं रखवा दिए होंगे उनके घरों में। पैसे मिल गए, वो अपना ब्यौरा देंगे, जिन जिनके पास में आया अभी इनकम टैक्स ने उनसे नोटिस दे करके उनसे अभी लेंगे, सरेंडर किया है उसकी अपनी आय दिखाएंगे, अभी कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई है उसमें, जिस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लेकिन मतलब आप ये फिर भी देख लीजिए, आप जस्टिफाई कर रहे हैं इसको? नहीं, इसको जस्टिफाई नहीं आप कर रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं जो करोड़ों के बंडल निकल रहे हैं घरों से। करोड़ों के बंडल जिनके पास में निकले हैं वो अपना जवाब देंगे, ठीक है, अपना जवाब देंगे, वो अपना इनकम टैक्स को पूरा प्रूफ देंगे कि अगर उनके पास में है या नहीं है। केवल आज की तारीख में केवल छापे मारने से कोई आदमी गलत नहीं हो जाता, जो लेके भाग गया उसको तो वापस ला नहीं पाए अभी तक 36,000 करोड़ रुपए। और ये देखिए, ये अभी भी मोदी के दम पे ही है, यहाँ 2-2 सांसदों के टिकट कट रहे हैं, इन्हें सांसदों से कोई मतलब नहीं है, या क्षेत्रीय नेता से कोई मतलब नहीं है, मोदी केवल धोती पे चल रहे हैं। चलिए ठीक है सर, बैठिए, आपको आपको सवाल पूछने हैं, आप लोगों को सवाल पूछने हैं, नारे लगाने हैं। तो सर ये तो ये हालात है, देख लीजिए, ये लोग ना सवाल सुनना चाहते है ना जवाब। एक तरफ जाइए केवल मोदी मोदी का नारा है, और दूसरी तरफ जाइए तो केवल चौकीदार चोर है का नारा है। इनको ना सवालों से मतलब है ना जवाबों से मतलब है, इनको केवल नारेबाजी से मतलब है। और शायद इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो वोटरों को भेड़ों की तरह हांकती हैं, हर बार 5 साल बाद वही चुनावी वादे करती हैं, पूरे हों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है इनको हांक कर ले जाया जा सकता है। शायद एक एक करके बात बोलेंगे, एक एक करके पूरे हिंदुस्तान की जनता को धोखा दिया कांग्रेस ने जाति पाति के उसके अंदर। सवाल पूछना है कुछ के बोलना है केवल जी? ओके बोलिए, क्या बोलना? मोदी को चोर कह रहे हैं, इनका खानदान चोर है, ये बेल बेल पे है पूरा खानदान, चौकीदार प्योर है, खानदान इनका चोर है। 281 करोड़ की जो संपत्ति है, 281 करोड़ की जो संपत्ति पकड़ी गई है, इसको चौकीदार प्योर है, जेल जाना श्योर है, सरकार बननी श्योर है, भाई करेंगे। चौकीदार प्योर है, चौकीदार भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म, भारत का पुराण, भारत की गीता, सबकी बड़ाई कर रहा है।
चौकीदार प्योर है, बेईमानों का जेल जाना श्योर है और सरकार बननी श्योर है। चौकीदार प्योर है, सरकार बननी श्योर है और जेल जाना भी श्योर है। हम भारत की एकता, भारत इनके पास भारत की एकता सवालों के जवाब देने के अलावा सिर्फ ये नारे बचे, गुंडियाई बची है, भारत की सीमाओं की चौकीदारी, गुंडियाई बची है, सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, सवालों के जवाब बैठिए, देश में ना घुस जाएं, उसकी चौकीदारी कर रहे हैं आतंकवादी। कुल मिलाकर स्थिति ये है सर, चौकीदारी आप लोगों से उम्मीद कीजिए कि ये सवाल पूछे अपने नेता से, ये जवाब लें अपने नेता से, उसकी जगह सारी चर्चा जो है वो केवल नारेबाजी में चली जाती है। एक तरफ से चौकीदार चोर और दूसरी तरफ से, नहीं सर दोनों तरफ से पूरा मुकाबला है, सवालों किसकी जा रही है, ये सवालों चाहते हैं, ये सवालों से बचने के लिए भाजपा वालों की चाल है कि ये लोग नारे लगाते हैं और हावी होने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ से क्यों लग रहे हैं फिर, दोनों तरफ से सवाल होता है तो जवाब तो दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, घंटा की चौकीदारी कर रहा है। आप भी अपने समर्थकों से अपील करिए, जरा शांति रखिए, चौकीदारी कर रहा है, घुसपैठी है ना अंदर आ जाए, पूछ लीजिए इसकी चौकीदारी कर रहा है, इसमें किसानों पर कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, बढ़ते अपराध पे कोई बात नहीं करेगा। जमीन के नीचे कोयले की चोरी की है, जमीन पर बोफोर्स की चोरी की है और नारेबाजी बंद कीजिए, पूंजी की चोरी करी है, नारेबाजी बंद कीजिए, पीछे पीछे हो गए, सिर्फ यही करना जानते हैं, छोड़ा है ना आसमान को, छोड़ा बात नहीं करेगा, अंतरिक्ष में भी चोरी की है, विकास पे कोई बात नहीं करेगा और जमीन में भी अपराध पे कोई बात नहीं करेगा, इनमें से महंगाई पे कोई बात नहीं करेगा, बढ़ते डीजल पेट्रोल के रेटों पे कोई बात नहीं करेगा। अगर जो ये इतने भक्त है और देशभक्त है तो मोदी जी से कह दे कि 200 रुपए पेट्रोल बिकवाने पाताल के नीचे कोयले की चोरी की है, एक मशीन मोदी भक्तों के लिए लगा पर बोफोर्स की चोरी की है और टूजी की चोरी की है, इन्होंने पाताल भी नहीं छोड़ा, जमीन भी नहीं छोड़ी और आसमान भी नहीं छोड़ा। जरा मंत्री जी यार राफेल सौदे पे भी बता दें कि 550 करोड़ का जो विमान है वो 1,500 करोड़ का कैसे हो गया, इतनी बड़ी एक दिन इसी राफेल से पाकिस्तान को नष्ट करेंगे, 1,500 करोड़ का ये क्या हो गया, इसी राफेल से अंबानी के लिए मार्केटिंग, इसी राफेल से पाकिस्तानी अंबानी के लिए किसी दिन प्रधानमंत्री मार्केटिंग करते, BSNL जैसी कंपनियों को ठप कर दिया, सरकारी कंपनियों को बेच दिया, जब मिक्स से पाकिस्तान को ठोक दिया है, एक दिन राफेल आने दो उससे भी पाकिस्तान को ठोकेंगे। चैलेंज के साथ कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार आएगी वो बताएगी। हम पूछ रहे हैं सरदाना जी किसानों से पूछो कि यहाँ की हालत क्या है, किसानों से पूछिए कांग्रेस ने धरातल पे क्या है। हम तो आए इसलिए कि लोगों से पूछ सके, लेकिन लोगों को लगता है कि नारे लगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय सवाल पूछने के। सवाल की बात क्या किया जाए, सरदाना साहब आप सवाल केवल मौका दे रहे हैं इनको, आप सवाल की बात करें, हम तो केवल मौका देना चाहते हैं, सब अपनी अपनी बात करें, आप सवाल न करें, कितनी आय बढ़ गई, पोल न खुले, सवाल बोलिए आप जवाब दीजिए, इनकी पोल न खुले, इनको पैसा मिल गया, इनकी पोल न खुले, इस वजह से लोग नारे लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो मोदी जी को चोर कह रहे हैं, उन्होंने पाताल के नीचे कोयले की चोरी की, जमीन पर बोफोर्स की चोरी की और आसमान में 2G की चोरी की, इन्होंने ना पाताल छोड़ा, कितना पैसा, इन्होंने जमीन छोड़ी, इन्होंने आसमान छोड़ा, आसमान पे तो राफेल का भ्रष्टाचार में सर्वव्यापी है, हर जगह ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट है ये भ्रष्टाचार में, और ये शुरुआत हो गई थी कांग्रेस की सरकार बनते कृष्णा मैंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई जी के भी कुछ सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब सवाल हो रहे हैं सदारा साहब आप सवाल कर रहे हैं उसके जवाब दिए जाए, महंगाई पे जवाब दें, बढ़ते अपराध पे जवाब दें, ये हमारा शांति प्रिय शहर जो क्राइम का यहाँ पे बड़ा है जिस तरीके से, उस पर जवाब दें, महंगाई पे जवाब दें, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पे जवाब दें, गठबंधन दिन पहले महिला कांस्टेबल पे तेजाब फेंक दिया जाता है, मौसम आगरा में इलाज हो रहा है, उस पर जवाब दें, ये जवाब देने की बजाय नारे लगाने लगते हैं जिससे आप लोग इनसे सवाल न करें, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है, किसी बात का जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, कानून व्यवस्था खराब हो गई आपके राज्य में, उनका आरोप है सीधा सीधा। देखिए योगी जी के जमाने में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, जबरदस्त महिलाओं पे खेत में हल चलाता हुआ किसान
मतलब आप भी चाहते हैं केवल नारे लगते रहे, आप भी चाहते हैं केवल नारे लगते रहे। ये लोग आप स्थानीय नेता हैं, दोनों को रोकिए। आपके लोग हमारे लोग बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ इनके जमाने में बैठ जाओ। हमारे लोग सुरक्षित था ना, बच्चा सुरक्षित था ना, बहू बेटी सुरक्षित थी। जंगल रास्ता देखो बगेल साहब, बगेल साहब, देखो एक सेकंड साहब, हमने क्या बोला अपने लोग, अब इधर सुनो। मैं ले रहा हूं, मैं आग बब्बर सवाल नहीं करने देंगे। आप उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, सवाल नहीं करने देंगे लोग। और सुनिए, और जो बोलेगा उसकी आवाज बंद कर देंगे ये लोग। चाहता हूं कि सवाल नहीं करने देंगे, उनकी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए चोर है, क्यों बीजेपी के लोग झूठ बोल। मैं कांग्रेस के प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूँ कि 60 साल में उन्होंने करा क्या? 60 साल में जिस देश की रोड सो वो सब अपने खाए और उन्हें लूट खसूट करके इनको बर्बाद करने की चेष्टा कर रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से देश की जनता से यह पूछ रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति के आगे तीन तीन लोग गठबंधन कर रहा है, आखिर ये क्या नाटक है? 15 लाख औरों को मिले हैं क्या, बताओ जरा है? इनको कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से हार के हैं, जहाँ सपा का प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वे अपने कार्यकर्ताओं को खरीद के लाए हैं, यहाँ उधम मचवा रहे हैं और कोई काम नहीं है। आगरा, आगरा को जूते और ताजमहल के नाम से जाना जाता है। आज रोहित जी आगरा में जूते का कारोबार इतना ठप पड़ा है और जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इतनी बुरी हालत है आज जूते के, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। बुआ भतीजे दोनों जेल जाएंगे, दोनों फ्रॉड है, टिकटे बेच। मैं ये कहना चाहता हूँ सैनिक के नाम पर नहीं होनी चाहिए। मैं ग्रामीण क्षेत्र किसान का बेटा हूँ और किसान भूखी कगार पर खड़ा हुआ है और जानवर आवारा जानवर और वो त्रस्त हो चुका है और किसान अगले साल अगर सरकार बन गई तो किसान कटोरा। तीनों मुझे पता है आप कोई तीनों में से कोई नहीं सुन पाया होगा, लेकिन मसला ये है कि ऐसी परिस्थिति में जहां लोगों को अपने सवालों की बजाय ड्रामेबाजी नारेबाजी और इस तरह की चीजों में ज्यादा खुशी मिलती हो, लोगों को एक मंच पर लाकर उनसे ये कह सके कि आपके लिए नेता आए उनसे सवाल पूछा जाए। भाजपा पीछे हो जाइए, पीछे पहले पीछे हो जाइए, पहले पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, जो उधम कर पीछे होइए, पीछे सवाल न पूछे आप। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अगर मोदी चोर है तो पूरा कांग्रेस का खानदान क्यों जमानत पर है? इन्होंने 5,000 की नौकरी करने वाले चौकीदार को अपमानित किया है और 2019 में देश की जनता इनको ऐसा जवाब देगी कि विपक्ष में बैठने के लिए इनके पास जमानत भी नहीं होगी। कौन से देश में ऐसा चौकीदार है जिसको जेल सुरक्षा मिल रही है? चौकीदार को तो चौकीदारी करनी चाहिए, चौकीदार को जेल सुरक्षा कैसे मिली? सपा बसपा उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत है तो आज उनको गठबंधन करने की क्या जरूरत पड़ी? मेरा कांग्रेस ने जो भी घोषणा किया है, जो भी आप मुझे ये बताइए, उसमें हमारी और धारा 370 और 35 ए के ये लोग विरोध में, इसका मतलब खुले में पाकिस्तान का झंडा लेके और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाए। मोदी जी ने आज की तारीख में भारत, ये जो सपा बसपा कांग्रेस गठबंधन को अभी 2-4 साल में तो देशभक्ति का भूत चढ़ा है, इनसे पूछिए 2016 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर जब देश की बर्बादी के नारे लगे तो समर्थन करने क्यों पहुंचे? जी मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आतंकवादी मसूद अजहर को जी के उच्चारण करते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप आतंकवादियों के साथ हो, आप उनको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? 5 साल का तख्ता पलटा, उससे घबरा गए, सारी पार्टियां घबरा गई है आज। और
देश में जो महंगाई की बात करती है कांग्रेस बड़ी है। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया? युवाओं के रोजगार के लिए आप ये बता कि भारतीय शक्ल अच्छे से दिखा दीजिए, एक बार इनकी शक्ल अच्छे से दिखा दीजिए, अब बोलिए जो बोल रहे थे, इनका चेहरा अच्छे से दिखा दीजिए एक बार, क्योंकि जिधर भी जाएं ये उधर से आके कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बात आए। बोलिए, आपका चेहरा दिखा रहे हैं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप किसान है, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं किसान हूँ, दो मेरे खाते में अभी तक नहीं आई है, और हमारे खेतों को बैल गाय सभी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यह दोगुना आमदनी की बात करते रहे, किसान मर रहा है। आज आगरा के अंदर सैकड़ों किसान मर चुके हैं पशुओं द्वारा। आज किसान के ऊपर कोई भी राजनीति हो रही है, अगर किसान सवाल पूछता है तो उसे मोदी करके उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। इस बीच में आप किसानों से राय लें, हमारी आपसे नहीं राय। आगरा की सबसे देश और प्रदेश की बात करते हैं, आगरा की बात करते नहीं है। आगरा में पानी, बैराज, इंटरनेशनल स्टेडियम और मेट्रो स्टेशन, और स्पेशल भगेल जी कहते हैं समाजवादी पार्टी, आज समाजवादी पार्टी की देन है, भगेल साहब समाजवादी पार्टी की देन है ये। सर ये जो बीजेपी मेरे गांव में जाकर के देख सकते हैं, मैं अपने ऊंचा व्यवस्था कोई ना नाली की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था, कोई विकास नहीं है। ये सर झूलेबाजी की सरकार है और कुछ है नहीं इसके सामने, बस हमारा यही है। जो हमारी भाजपा सरकार तो किसी भी शहीद जो शहीद हुआ था पुलवामा में, इन्होंने वहां पर कोई काम नहीं किया, गांव की सरकार टूटी पड़ी है। किसान आप बताए, जनता पार्टी के लोगों से बात करके समझने की कोशिश किया कि क्या है दिक्कत। यह है कि मुद्दों पे बात करने के लिए जैसे ही आप मंच लाते हैं, आधे आपके समर्थक हैं, आधे इनके समर्थक हैं, आधे उनके, और तीनों तरफ से नारे लगने लगते हैं। क्या आपको लगता है मोदी मोदी करने से केवल जैसा हो रहा है ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, ये वाला चुनाव जो हम लोग लड़ने जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोक कल्याणकारी योजना और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो पसीना बहाया है उससे हम लोग ये सरकार बनाने जा रहे हैं। किसान कह रहा है मेरे पास तो 2000 भी नहीं आए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, किसान कह रहा है किसानों की पशु चल रहे हैं, किसानों की आय को हमने दुगना किया है। पशुओं के मामले में हमने उत्तर प्रदेश के हर जिले में 1,20,00,000 से एक गौशाला खोली है। प्रत्येक गौशाला जो खोली गई है उसमें 30 रुपए प्रति पशु के हिसाब से भरण पोषण हम लोग दे रहे हैं। 17 करोड़ रुपए जो हमारा बजट था, मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ कर दिया है। जितने अभी हमें मंडी का 1% सेस मिलता था, अब जितनी लाभकारी संस्था है, UPSIDC है, ब्रिज कॉर्पोरेशन है, एक्साइज का सेस लेकर के 250 करोड़ रुपए हमने भरण पोषण का इंतजाम किया है। सैक सॉर्टेड सीमन हम ला रहे हैं, उसके प्रयोग से 90% बछिया ही पैदा होगी। ये हमने निराश्रित गौ के मामले में हमने कुछ प्रिकॉशन। मसला ये है, अगर ये सारी योजनाएं आ रही हैं, अगर वो सारी चीजें हो रही हैं, तो किसानों को पशु पकड़ पकड़ के सरकारी स्कूलों में कलेक्ट्रेट की बाउंड्री के भीतर जाके बंद क्यों करने पड़ रहे हैं? रात रात भर खड़े क्यों है किसान कि अपने खेत की चौकीदारी करनी पड़ रही है? यही समझने की बात है
कि जो हमारे साथी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं अपने साल और का केवल कागजों में बखान कर साल मोदी की सरकार रह जाएगी। आगरा क्या पूरे उत्तर प्रदेश का बच्चा पहला शब्द मोदी बोला करेगा। आगरा नहीं, इसके अलावा किसान उनको पकड़ के अंधेरे से उजाले में आ जाएगी। स्कूलों में उसकी माँ को गैस का और विद्यालयों में बंद जो अस्पतालों में बंद कर रहे हैं इस पे इनका कोई ध्यान नहीं है। इनके जो समर्थक केवल इनको नारे लगाने से फुर्सत नहीं है, बाकी इनका धरातल पे काम शून्य है। आम जनता जानती है किसान त्राई त्राई कर रहा है, किसान की आय आधी रह गई है। कागजों में बताने के लिए केवल मंत्री जी बता सकते हैं। इनका एक भी समर्थक अगर कुछ दो योजनाएं भी बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ वास्तव में ये भाजपा के लोग ये सब इनकी सरकार के लोग कुछ जानते भी है, केवल ये अपने कागजों में जानते हैं, इसके अलावा एक समर्थक नहीं बोल पाएगा। ठीक, जीत जाएगा गठबंधन आगरा में, 1% जीतेगा। क्यों जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा, जिस तरीके से किसान परेशान है, बेरोजगार लोग हैं, हमने हमारे कोई विधायक सांसद ना होते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के काम आगरा में, चाहे आगरा नखलब एक्सप्रेस हो, जमुना किनारा हो, ताजमहल के आसपास 500 मीटर को पेरिस बनाने का काम हमने किया है, गंगा जल लाने का काम किया है, बिजली में सुधार हमने किया है। ये तमाम योजनाएं हैं आगरा के लिए जो जिसके बल पर हम विकास के नाम पर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो और गठबंधन यहाँ से जीतेगा। मायावती को डर क्यों लग रहा है? मुसलमान कांग्रेस को वोट दे देंगे तो हार जाएंगे। ऐसे तो तमाम भाजपा के नेता ये अपने मंचों से ये कह रहे हैं कि यहाँ इतना गुजर है ये कैसे जीत जाएगा, यहाँ इतने जाट है ये कैसे जीत जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ यही नेता आप इन पर आरोप लगाते हैं कि ये धर्म संप्रदाय जात की राजनीति करते हैं, आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। आप अपने सामने देख लीजिए, ये सब भाजपा के पदाधिकारी हैं, ये जनता नहीं है आगरा की। जनता का हाल आप पीछे खड़ी है, जनता उससे आप सवाल पूछ लीजिए क्या आगरा में क्या हाल है। आप इस बात से इनकार करेंगे कि गठबंधन बनाई जाति आधार पर है? बिल्कुल नहीं पता जनता, ये दबे कुछ लोग का, बेरोजगारों का और पीड़ित लोगों का गठबंधन है। ठीक है, चलिए मैं एक बार कुछ लोगों को कमेंट देता हूँ, फिर वापस आता हूँ आपके पास। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, छीनिए मत, बोलिए। और मोदी बोलने से राहुल गांधी अपने को नेता मानते हैं तो आगरा लोकसभा लड़के देखो। अगर जो सवाल है चुनाव किस पे लड़ा जा रहा है, बेरोजगारी पे, किसानों के मुद्दे कहां मुद्दे, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यही है बस। भाजपा वाले सरकार में आलू से परेशान है हम, और रात में चौकीदारी कर रहे हैं हम, पूरा देश चौकीदार बना। बोलिए, ये आलू उत्पादक किसान है, बोलिए। मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहूंगा, मोदी जी जब आगरा में आए तो आपने घोषणा की थी कि मैं प्रोसेसिंग यूनिट लगाऊंगा, कहाँ गया? इनसे जरा ये पूछ लीजिए कि कहाँ गया। इन्होंने 36,000 करोड़ की ये बात करते हैं, 36,000 करोड़ में मात्र 12,000 करोड़ रुपया बट पाया, 18,000 रुपये कहाँ है इनसे पूछ लीजिए। ये कम से कम ये तो बताएं, आगरा में 38 किसानों ने तंगी के कारण, आलू उत्पादक किसानों ने आत्महत्या कर ली, एक भी भारतीय जनता, ये भारतीय जनता पार्टी का एक किसान, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके दरवाजे तक नहीं गया। और जब हमने ज़्यादा दबाव बनाया तो यही रिपोर्ट लगा दी कि ये तो वैसे ही मृत्यु हुई है उस कारण। जरा इनसे बात कर लीजिए, जरा बात तो कर लीजिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राजद्रोह कानून खत्म करने की बात कही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता देश हमारी माता है, और जो हमारी माता के खिलाफ गलत बोलेगा हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस देश की राजनीति से उखाड़ कर फेंक देंगे बाहर। सर, मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ कि आईटी के छापे में अहमद पटेल किसकी चौकीदारी कर रहे थे कल? ये चौकीदार चोर बोलते रहते, किसकी चौकीदारी कर रहे थे? रोहित भाई साहब ये 40-40 सीट पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और ज्यादा 10-10, 15-15 सीटों पर जीतेंगे, और ये प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, आप बताइए किस देश में, किस देश? मोदी सरकार में कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई नेता ऐसा नहीं निकला जिसने कोई भ्रष्टाचार किया हो, और मोदी सरकार के अंदर युवाओं का पूरा सम्मान मिला है। सच्चा ईमानदार नरेंद्र मोदी, सच्चा ईमानदार नरेंद्र मोदी। माननीय प्रोफेसर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, क्यों जीतेंगे? 5 लाख वोटों से अपनी मेहनत में, और जो अच्छे कैंडिडेट रहती है यहाँ से, जो पहले कटेरिया जी थे अच्छे नहीं थे। मायावती गठबंधन से पूछना चाहता हूँ, वोट चाहिए मुस्लिम वोट को, चाहिए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, मुस्लिम वोट को चाहिए। अगर मायावती सत्ता में आई तो केवल और केवल मुसलमानों का भला होगा, अदरवाइज किसी का भला नहीं होगा। किसानों का 28 महीने से धरना चल रहा है, 9 बनाए 2 साल। कुछ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि शायद एक उम्मीद हो भी जाती लेकिन कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट नहीं लाई, क्या वाकई ऐसा है? आगरा में बोलिए। नहीं, आगरा में हमने जो इनकम टैक्स की कमिश्नर रही हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं,
और एक बहुत पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को हमने यहाँ उतारा है, और इतनी अच्छी महिला जो कि सामाजिक क्षेत्र में नेशनल लेवल पे काम कर रही है, हमने उनको आगरा में दिया आएगा और जब अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है। आपको परिणाम पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद कि हमारा कैंडिडेट कितना अच्छा है। फतेहपुर सीकरी से हमारे नेता राज बब्बर जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल विजय पताका की तरफ दोनों कैंडिडेट हम जीत रहे हैं, आगरा भी और फतेहपुर सीकरी के भी कैंडिडेट। क्यों आपको लगता है आपकी जनता वोट करेगी आपको दोबारा? जनता इसलिए वोट करेगी कि प्रधान हमारे यहाँ अंत्योदय हुआ है, गरीब महिला को जुड़ा के तहत गैस का कनेक्शन मिला है 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का, यहाँ आगरा में अंत्योदय नहीं हुआ, हुआ तो है, सबके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। देखिए शौचालय बने हैं, आवास बना है, विधवा पेंशन हुई है, विकलांग पेंशन हुई है, वृद्धावस्था पेंशन हुई है, उसके साथ 12 रुपए में बीमा हुआ है, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान को ठोक करके भारत का मान सम्मान बढ़ा है। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए आ रहा मेरा एक छोटा और अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, मैं ये चाहूंगा स्थिति कुल मिला के जैसे ही आप जनता के लिए एक मंच तैयार करते हैं जहां जनता आए, नेताओं से बात करे, नेताओं को हम बुला के लाते हैं, प्रचार कार्यक्रमों में से खींच के लाते हैं कि चलिए चलिए हमारे साथ आज तक के मंच पर आइए, जनता आपसे सीधा संवाद करना चाहती है, लेकिन उस संवाद के दौरान होता क्या है? उस संवाद के दौरान होने ये लगता है, एक तरफ से नारा लगता है मोदी मोदी, दूसरी तरफ से नारा लगता है चौकीदार चोर है, लेकिन मसला ये है क्या मोदी मोदी कहने या चौकीदार चोर है के नारे लगाने से लोगों को रोजगार मिल जाता है? क्या मोदी मोदी कहने या चौकीदार चोर है कहने से आपके खातों में पैसा आ जाएगा? क्या मोदी मोदी कहने या चौकीदार चोर है कहते रहने से सड़कें बन जाएंगी? क्या मोदी मोदी कहने चौकीदार चोर है कहने से आपके खेतों में वो आवारा पशु आना बंद कर देंगे जिनके लिए आप यहां पर गुस्सा भी दिखाना चाहते हैं नेताओं को? तो ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ऐसे मंचों का इस्तेमाल अपने नेताओं से सार्वजनिक तौर पर सवाल पूछने के लिए करें, ना कि नारे लगाकर केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए करें और वो समय जाया चला जाए पूरे देश का। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगरा से आज आपको दंगल दिखा रहे थे, ये तस्वीर आप देख लीजिए, नारा लगना अभी भी बंद नहीं हुआ है, दोनों तरफ से पूरे जोश के साथ अब भी मोदी मोदी और चौकीदार चोर है के नारे लग रहे हैं। दंगल के आखिरी पड़ाव पर हम आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट किया कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in पर। आज का दंगल आप आगरा से देख रहे थे, हमने पूरी कोशिश की कम से कम जनता की बात उसके नेताओं तक पहुंचे, लेकिन अगर जनता इस तरीके से बटी हो कि एक तरफ से मोदी मोदी हो और दूसरी तरफ से चौकीदार चोर, और उसमें वो संवाद दबकर रह जाए जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार है, वो सवाल दब जाए जो लोकतंत्र के सबसे मजबूत हथियार है, वो जवाब देने का रास्ता बंद हो जाए जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार है, तब आप क्या कहिएगा? फिलहाल के लिए आगरा से इतना ही, कल मथुरा में आपसे फिर मुलाकात होगी, दंगल का स्पेशल एडिशन कल मथुरा से होगा। ले रहे हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।